डिज्नी प्लस पे लोकी की सीरीज के लिए कौन एक्साइटेड नहीं है? आई नो मैं तो हूँ। और लोकी की सीरीज हमें 2021 में देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने अपनी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि 2021 में हमें मार्वल की तरफ से बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले वाली वीडियो देख लेना, आई बटन में आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको कि 2021 में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और उसमें से एक होने वाली है लोकी की सीरीज, जो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मेरे को कि इंडिया में लोकी के फैन बहुत ज़्यादा हैं और डिज्नी प्लस पर लोकी की सीरीज तो सब लोग देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी की सीरीज के कुछ अपडेट के, कुछ लीक की और बहुत सारी बातें करनी है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मैंने अपने चैनल पे आपको पहले ही बताया था कि लोकी की डिज्नी प्लस सीरीज के अंदर क्या होने वाला है, हमें लोकी की सीरीज में क्या प्लॉट देखने को मिलेगा, कौन से विलन हमें देखने को मिलेंगे, पूरी की पूरी कहानी क्या होगी। बट अब हमारे पास ऑफिशियल प्रूफ आ चुका है कि लोकी की सीरीज में क्या होने वाला है, एंड मैं बिल्कुल सही था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नए कैरेक्टर जो कि लोकी की सीरीज में ऐड हुए हैं और जिनसे हमें यह पता चलता है कि लोकी की सीरीज एक्चुअली में जा कर रही है और हमें एक्चुअली में प्लॉट जो मैंने आपको पहले बताया था उसका 80% लगभग सच हो चुका है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को फटाफट से हम शुरू करते हैं। अगर हम इन लीक्ड इमेजेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं टॉम हिडलस्टन जो कि प्ले करते हैं लोकी। अब जिसको नहीं पता लोकी कौन प्ले करता है वो यहाँ पर देख सकते हैं, टॉम हिडलस्टन बिल्कुल प्ले करते हैं। साथ ही साथ इसके बगल में हमें देखने को मिल सकते हैं ओवेन विल्सन जो कि प्ले कर रहे हैं मेरे हिसाब से जस्टिस पीस का रोल, जो कि TVA के एक्चुअली में एक तरह का कह सकते हैं CEO हैं या उनकी अथॉरिटी है TVA। अब जिनको नहीं पता TVA क्या है, अगर आपने मार्वल का यानी जब हमने इसका ट्रेलर देखा था सुपर बोल का ट्रेलर जिसमें सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता चला था, उसके अंदर एक छोटा सा सीन था लोकी का और वहाँ पे हम देख सकते हैं लोकी की यूनिफॉर्म पर लिखा था TVA। अब ये TVA का मतलब क्या है? TVA का मतलब है टाइम वेरियंट्स अथॉरिटी। टाइम वेरियंस अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि टाइमलाइन में हुए कोई भी चेंज को या फिर समय के अंदर यानी टाइम के अंदर हुए कोई भी चेंज को या फिर अल्टरनेट रियलिटी के अंदर हुए कोई भी चेंज को मॉनिटर करती है और ये देखती है कि पूरा का पूरा बैलेंस बना रहे। अगर वो बैलेंस खराब हो जाता है तो ये TVA का काम है कि जिसने बैलेंस खराब किया उसको पकड़कर उसको टाइम प्रिजन में एक तरह के जेल में डाल देना ताकि वो दोबारा वो क्राइम ना कर पाए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेट इमेज के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे हमें लोकी देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें ओवेन विल्सन के रख के देखने को मिल सकता है जो मेरे साथ जस्टिस पीस है। बगल में आप देखेंगे यहाँ पे दो चार आपको और सिपाही मिल जाएंगे, ये एक्चुअली में टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी के मेंबर्स हो सकते हैं जो कि एक तरह के हम कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि पकड़ने का काम करते हैं। अगर हम आगे चले अगली फोटो के अंदर तो हम गौर से देख सकते हैं इसके अंदर हमें सेम एक और इमेज देखने को मिलती है जिसमें सेम हमें चीज़ देखने को मिल रही है। अब ये जो सीन है ये थोड़ा बारिश के अंदर शूट किया गया आई थिंक, तो यहाँ पे हम इनकी यूनिफॉर्म को क्लियरली देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा ब्राउनिश इनका टोन है इस यूनिफॉर्म का एंड डेफिनेटली दे ऑल आर लुकिंग गुड। अब एक्चुअली में थोड़े दिन पहले रूमर आया था जिस रूमर में ये बताया गया था कि लोकी को टाइम वेरियंस अथॉरिटी के द्वारा पकड़ लिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन जो सेट इमेजेस हमारे पास आई हैं उनसे मुझे ऐसा लगता नहीं। मेरे पास खुद की एक थ्योरी है जिसके बारे में मैं आपको थोड़े दिन में भी बताता हूँ। उसके बाद हम अगली इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लोकी दोबारा से और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक और इमेज जिसमें हमें एक लेडी देखने को मिलती है। अब ये लेडी जो है ये कौन है ये अभी तक हमें नहीं पता चल रहा है, बट अगली इमेज से ये चीज़ साफ हो जाती है कि ये लेडी एक्चुअली में है कौन। अगर आप देखेंगे इस एक्ट्रेस का जो सूट यूनिफॉर्म है वो एक्चुअली मैच करता है लोकी से। गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर लोकी ने सेम तरह के कपड़े पहने थे और ये जो लेडी हैं जो एक्ट्रेस हैं इन्होंने भी सेम तरह के कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ से सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी निकल कर आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये है इंचांट्रेस। पुरानी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंचांट्रेस का एक बड़ा रोल होने वाला है लोकी की सीरीज के अंदर और यहाँ पर वो बात सच हो जाती है। दूसरा जो गैस है मेरा वो ये होने वाला है कि अगर ये इंचांट्रेस नहीं है तो ये कोई और कैरेक्टर हो सकता है जिसको लोकी से प्यार हो जाएगा और एंड में लोकी उसको एंचांट्रेस की पावर्स देकर उसको एंचांट्रेस बना देगा। कॉमिक में भी ऐसा हुआ है, दो इंचांट्रेस थी, एक तो एसगार्ड में रहती थी और दूसरी को लोकी ने बनाया था। तो कहीं ना कहीं इस बात की इंडिकेशन अब मुझे मिल रही है कि लोकी एक्चुअली में एक नई इंचांट्रेस को तैयार करेगा, जो कि अमेजिंग बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या थ्योरी है और शो के अंदर क्या होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि टाइमलाइन में गड़बड़ की वजह से टाइम वेरियंस अथॉरिटी जो होगी वो लोकी को कैप्चर कर लेगी। लोकी को कैप्चर करने के बाद में उसको सेल में रखा जाएगा और वो जब वहाँ से एस्केप कर लेगा, क्योंकि हमें पता है वो एस्केप करने वाला है सारी की सारी अथॉरिटी से, ये बात हमने सुपर बोल के ट्रेलर में भी देख ली थी। जब वो वहाँ से एस्केप कर लेगा उसके बाद जस्टिस पीस उससे मीटिंग करके उसको कन्विंस करेगा कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, कुछ बुरा होने वाला है। और वो बुरा क्या होने वाला है? वो होने वाला है कैंग द कॉन्करर। जी हाँ बिल्कुल, कैंग द कॉन्करर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि टाइमलाइन और टाइम ट्रैवल में मशहूर है और जितने भी मार्वल की कॉमिक्स हैं अगर आपने टीवी शो भी देखा होगा कार्टून वाला तो भी आपको पता होगा कैंग द कॉन्करर कौन है।
और यहाँ तक कि माइकी सर्टन जो एक बहुत ही अच्छे जाने माने एमसीयू विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा था कि भैया कैंग द कॉन्करर बहुत पहले आने वाला है और आपको पता भी नहीं है वो कौन सी सीरीज के अंदर आएगा। तो मेरा ये गैस है कि कैंग द कॉन्करर बाकी सारी टाइमलाइन के अंदर प्रॉब्लम कर रहा होगा और उस वक्त जस्टिस पीस जो होंगे वो हमारे लोकी से हेल्प लेंगे उसको पकड़ने में। इस बीच जो एक ऐसी एक एक्ट्रेस होगी या फिर एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि फीमेल कैरेक्टर होगा जो कि ये एक्ट्रेस होने वाली है, ये टाइम वेडर्स अथॉरिटी के अंदर काम करने वाली होगी और यहाँ पर लोकी को उससे प्यार हो जाएगा और वो सारी की सारी पावर से बना देगा इस लेडी को एन्चेंट्रेस। और उसके बाद में हमें पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लॉट थ्योरी है ये मुझे लगता है कि सच में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली अगर कैंग द कॉन्करर आने वाला है तो उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हम देख सकते हैं एज अ प्रिजनर, अगर मैं कहूँ कि लोकी को पकड़ लिया जाता है टाइम वेंडर्स अथॉरिटी के द्वारा, तो इस सीन के अंदर हमें देख सकते हैं कि लोकी अपना वेल ड्रेस्ड है और मुझे लगता नहीं इस टाइम वो पकड़ा गया है, मेरे ख्याल से वो इस टाइम वो आज़ाद है और टाइम वेंडर्स अथॉरिटी की वो मदद कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो लोकी का सीरीज होने वाला है ये टाइम ट्रैवल के ऊपर होगा, साथ ही अल्टरनेट रियलिटी के ऊपर होगा और ये जो फीमेल कैरेक्टर है ये फीमेल लोकी होने वाला है या फिर ये इंचांट्रेस का रोल करने वाली है। मेरे हिसाब से मेरा पैसा है इंचांट्रेस के रोल पे। तो डेफिनेटली ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, ये फर्स्ट इमेजेस हैं जो लीक हमारे सामने हुई हैं एंड आई कैन नॉट बी मोर एक्साइटेड। मैं ये तक जानता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे लोकी के फैन हैं, उन सबको ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि लोकी की जो एक्चुअली में कॉमिक बुक की जो एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी है उसको थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है यहाँ पे और एमसीयू के अंदर फिट करने के लिए उसकी ओरिजिन स्टोरी को हल्का सा ट्विस्ट किया जा रहा है। फीमेल लोकी या फिर एन्चेंट्रेस हमें देखने को मिलेगी, साथ ही साथ टाइम वेरिएंस अथॉरिटी हमें देखने को मिलेगी और अच्छी बात यह है जो कि सबके लिए बहुत ही अमेजिंग बात है वो ये है कि कैंग द कॉन्करर हमें एमसीयू के अंदर देखने को मिलेगा। माइकी सर्टन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमसीयू के बहुत अच्छे जाने माने लीकर हैं, उन्होंने ये तक कहा था कि भैया गैलेक्टस से पहले कैंग द कॉन्करर आएगा और उसके बाद ही हमें गैलेक्टस की जर्नी देखने को मिलेगी। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, आई एम सुपर हैप्पी। तो ये है लोकी सीरीज की नई अपडेट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अब आपको पता है लोकी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसको सब लोग देखना चाहते हैं और उसके सारे के सारे एपिसोड्स का जो अपडेट होगा और जो ब्रेकडाउन होगा वो इस चैनल पे होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें, मतलब चाहोगे भी तो भी कोई अपडेट मिस नहीं हो सकती, सारी मिलेगी। सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना और ऑल पर क्लिक करना ताकि सारी की सारी अपडेट आपको मिले। मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट 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 मार्वेलस डे।